ऐसा नहीं है कि एक बिस्किट का पैकेट हम खरीद नहीं सकते, लेकिन आप भी सजेशन दीजिएगा कि हम इन पौधों की और किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि कल बताया था मम्मी लोग आए हैं, तो आज मम्मी और जय चले जाएंगे। तो कल आने वाला ब्लॉग था, आज जाने वाला ब्लॉग बनेगा। तो अभी का नजारा कुछ इस टाइप का है। ये गादिक जो है सो के उठ चुका है और पापा के पेट में कूद रहा है, और जैसे ही प्यार सोल में गाय तो एक्साइटेड नीले हो रहे हैं। नीले अच्छा कितनी जोर से हट रखा है, और यहाँ पे बैठा है भाई, ऐसा लग रहा है अभी पूरे बाल देखो उसके। जैसे कैमरा उनके बैठ गया, मैं तो लेटे थे। सही बात है, लेटे हुए थे। और चलिए बाहर का नजारा दिखाते हैं कुछ। तो यहाँ पे जो है आटा लग चुका है, और आज काफी सारा आटा गुंदवाया है क्योंकि आज ज्यादा लोग हैं खाने वाले। और खाना क्या है आज? हमने पराठे। तो देख सकते हैं अंजलि के साथ होते थे नानी के साथ, पहली बहुत पसंद कर रहा था, और नानी ने बोला कोई सुनने नहीं देगा तो मैं अलग कमरे में सो रहा हूँ, तो मेरे साथ सोई तुम। मतलब नानी जो है डर गई। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में एक बार सो जाते हैं, डायरेक्ट सुबह उठते हैं। जैसे कि वैदिक अब 1.5 साल का होने वाला है लगभग, लेकिन वैदिक की आदत अभी भी ऐसी है। इसने 6 महीने स्टार्टिंग के मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, लेकिन अब क्या करता है ये बंदा, सोएगा रात में बहुत बार उठता है, कू 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 कू। तो मतलब थोड़ा सा फिर ये है कि अगर सोएगा जिस कमरे में तो ऑब्वियस है सबकी नींद खराब होएगी। इसीलिए तो वैदिक के डर के मारे जो नानी है ना ट्रांसफर हो गई थी दूसरे कमरे में। हाँ चलिए दोस्तों, शुरू हो गया है प्रोसेस पराठे बनाने का। तो पहले मैं दिखाती हूँ आज बनने वाले किस चीज के पराठे। तो पापा बताना किस चीज के पराठे बन रहे हैं आज। दौड़ियो नमस्कार, सबसे पहले आप लोगों का प्रत बच्चों को आशीर्वाद। दौड़ियो हम लोग ना कि आ जाओ, इन आ जाओ, घूम ले आओ, पढ़ा हमारे घर में जाओ, तो ओम एज मॉडर्न जरूर वाला पर है हम तो बीच सौ चिकन परोठा और बिरयानी, तो मी बन भी बड़ा बीच तुम ऐत जाओ। तो हमारे जो ना मेहमान उनका स्वागत के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, भी बड़ा नीचे, और मैं बहुत खुश हूँ जब बोल कि एन बड़ा, तो मैं खुश हो जाऊँ कि बस तुम्हें तो रात नहीं मिया कि मैं एन कन मैं एन कन मैं तन कन। अच्छा फिर मैं फिर देखो जैकने फ्रिज में कि फ्रिज में मेरा मतलब आइटम छेंचे के नीचे सब कुछ और जान मसाला। तो ये मैं हमारा संगठन है हम छठुआ रोड़ी बेटी, तो उनको ले फरमाइश में पर परोठा कतक बट जो मेरा आलू प्याज पनीर सब कुछ, तो मैंने कहा ठीक है ये देख लिया। तो ये बन रहा है आज प्याज पनीर और पता नहीं धनिया मिर्च और जो भी है, मतलब मेन जो है प्याज और पनीर का पराठा। और जैसे ही प्याज और पनीर का पराठा वैसे ही बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो मम्मी की फरमाइश से बनाया आज प्याज और पनीर का पराठा। जैसे कि एक बार लास्ट टाइम मम्मी आई थी उस टाइम मम्मी ने बोला था कि पहाड़ी बिरयानी, ये दो चीज पापा की स्पेशल है, पहाड़ी बिरयानी और एक पराठा जो कि पापा बहुत अच्छा बनाते हैं। तो लास्ट टाइम पहाड़ी बिरयानी बनाई थी और इस बार बन रहे प्याज पनीर के पराठे। पहला पराठा जो है मम्मी के लिए बन चुका है, तो साइज एज यूजुअल जैसे कि हम बताते हैं पूरी थाली के बराबर पापा के पराठे का साइज होता है, साइज होता है। तो बस अब लेके जा रही हूँ मम्मी के लिए। आ गया है पराठा और मम्मी ने आधा खा भी लिया है। तो भाई मैंने फरमाइश करी थी वहीं से जयनगर से कि मैं वहाँ आ रही हूँ, समझ लीजिए कि हाथ से मैं आ रही हूँ, जो पनीर वगैरह में मिक्स कर रहा था उन्होंने सब बहुत अच्छा है, नमक मिर्च बिल्कुल सही फिट। ये देखो मम्मी का खिचड़ी, सासू जी का खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। अच्छा ये बताओ कल ले कुबा परांठा बहुत बड़ी थी थाली बराबर था। आज जब तुम्हें की पहली कि हम वो है परांठा, मैं खुश हुई हूँ, मैं आज मुझे पर फर्स्ट क्लास ताकि तुम दूसरे बार और ना तुम वीडियो देख लो बिल्कुल बिल्कुल दबे जाओ। मम्मी कह रही है मैं वीडियो में देखूंगी, जो भी कुछ अलग चीज बन रही है तो मैं वही खाऊंगी, है ना। और यहाँ वैदिक का भी ब्रेकफास्ट हो रहा है,
और भाई इंतजार कर रहा है कब आएगा और मैं कब खाऊंगा। हाँ कि बस कब मिले। हाँ सही बात है, बस आने वाला है। हाँ तो यहाँ पे भाई कंफ्यूज हो गया है, पराठा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। इतना बड़ा पराठा बनाया समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से खत्म करूँ। होता होता है, करारे करारे मुरथल के पराठे हैं। आज वैदिक नहाई नहीं कर रहा है नानी जी के साथ। बहुत दिनों बाद है, वर्षों बाद वैदिक। हाँ नानी का मुंह धो दो। हाँ मुंह धो दो अब। एज यूजुअल हो गई है इवनिंग एंड मम्मी लोग जा चुके हैं, वो दिन में लंच करके निकल गए थे। अभी मैं जो है चाय पी रही थी, ये इवनिंग टी जो कि हम अपने बालकनी में एंजॉय करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण जो है ना रूम में ही बैठे हुए हैं। ये है बिस्किट न्यूट्री क्रंच वाले, एंड ये बिस्किट मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये और एक यूनिविक जो होते हैं ना वो वाले, तो ये बिस्किट का पैकेट मम्मी लेके आई थी। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं होती है कि एक बिस्किट का पैकेट, लेकिन माँ का प्यार ही होता है। जैसे कि मम्मी को पता है कि उसको ना ये वाले बिस्किट पसंद है, मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, मतलब जब भी मैं मायके जाती थी ना तो इवनिंग में मम्मी को ये बोलती थी चाय में मम्मी ये वाले बिस्किट देना। तो इसीलिए मम्मी ना ये लेके आई एक पैकेट ही। मम्मी ने बोला कि ना ये तेरे फेवरेट हैं तो उसे खा लियो चाय में। ऐसा नहीं है कि एक बिस्किट का पैकेट हम खरीद नहीं सकते, लेकिन जो माँ की दी हुई चीज़ होती है वो बहुत, मतलब जो मम्मी की दी हुई चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। चलिए करते हैं इवनिंग की एंजॉय। हो गई है इवनिंग, और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मम्मी लोग चले गए हैं, तो थोड़ा बहुत पहले मन दुखी था लेकिन अब थोड़ा खुश है। तो ये देखो पापा पानी लेके आए हैं। तो आज यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाने का एक मोटिव है वो ये कि जो पापा पानी लेके खड़े हैं ये आरओ का वेस्ट वाटर है। एक्चुअली क्या है ना, पहले हम आरओ वाला पानी डालते थे इसमें जो कि हम पीते हैं, लेकिन कल जब हम नर्सरी गए तो उन्होंने हमें स्पेशली बोला, सख्त हिदायत दी, उन्होंने हमें समझाया कि नहीं, जो पानी आपके लिए अमृत है वो पानी पौधों के लिए जहर है, और जो पानी पौधों के लिए जहर है वो हमारे लिए अमृत है। जैसे कि आप अगर पानी डालते हैं पौधों में, या तो आप डायरेक्ट मतलब जो पानी आता है वो डालो, अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप आरओ का वेस्ट वाटर डालो। तो ये आरओ का पानी जो है हमने इस बाल्टी में भर के रखा है, अब हम इसी में भरेंगे और यही पानी डालेंगे। एक तो आरओ का पानी हो गया और एक एसी का पानी। हाँ एसी, जो एसी का पानी रात को निकलता है जो हम चलाते हैं, उस पानी को भी हम डाल सकते हैं। बिल्कुल, वो इतना बढ़िया होता है ना पौधों के लिए। हाँ बहुत बढ़िया होता है। हाँ एक दो कमेंट भी आए थे, तो उन लोगों ने ये बोला था कि ना आप आरओ का पानी मत डाला करो, तो तब से मैं थोड़ा सा आरओ वाला और मिक्स वाला डालने लग गई थी। लेकिन प्लांट जो नर्सरी में जो था उन्होंने बोला कि आप वेस्ट वाटर डालिए अच्छा होता है प्लांट्स के लिए, तो बस अब हम वही डालने वाले हैं। और बस पौधे तो हमने कल दिखाए थे। तो ये है पाम ट्री जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको छिड़क के पानी डालना है ज्यादा, मतलब इसके पत्तों को नहलाना है। चीटे मारने वाला ले आते हैं जो ऐसे पिच पिच करते हैं। हाँ मम्मी वो लेके आऊंगी, मंगाऊंगी ऑनलाइन। सही बोल रही है मम्मी की, इसमें ना स्प्रे करके डालो। हाँ पापा बहुत। और ये हमारे दो धुरंधर और वैदिक ना पहले पत्तों को छेड़ता नहीं था, मिट्टी को छेड़ता है। वैदिक जय कर दो। जय तो दोस्तों आप भी सजेशन दीजिएगा कि हम इन पौधों की और किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। अभी जो है मैं सोच रही हूँ फर्टिलाइजर वगैरह भी यूज करूँ, क्योंकि पौधों में वो कहते हैं एक फर्टिलाइजर यूज करो तो लाइक एक वो काजू बादाम की तरह वो इस्तेमाल होता है, पौधों के लिए अच्छा होता है, वो भी यूज करूंगी। तो आप लोग बताइएगा कौन बेस्ट है। जैसे कि काफी लोग ने कमेंट किया था कि उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, उनके एक नाम मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, इन्होंने बताया था उनके घर में 100 से भी ज्यादा प्लांट है। तो भाई 100 से ज्यादा प्लांट है तो ऑब्वियस उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी कि किस पौधों को कितना पानी देना है और किन पौधों में क्या डालना है। हाँ तो आप भी जो है हमें बताइएगा, जिनको पता है अच्छी नॉलेज है तो ऑब्वियस आप बताएंगे, तो हम चाहते हैं हमारे पौधे अच्छे से हो जाएं। आज एक बार फिर से बन रही है तोरी की सब्जी डिनर में, जैसा कि तोरी और भात हम सब लोगों का फेवरेट है। अरे मुझे तोरी इतनी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों।
सबको अच्छी लगती है तो खा लेते हैं, लेकिन मुझे तोरी इतनी पसंद नहीं है इससे ज़्यादा। हाँ गाँव की तोरी हो ना, गुदड़ी जिसे कहते हैं, वो तो अच्छी लगती है, पर जो नॉर्मल तोरी होती है ये वाली इतनी पसंद नहीं है। चलिए अभी बनाते हैं सब्जी और जल्दी करते हैं डिनर, क्योंकि आज लेट हो चुके हैं थोड़ा सा। पापा परसों लेके आए थे मार्केट से कच्चा आम, तो जो है कच्चे आम की चटनी बन गई है, क्योंकि पापा अब पापा ने चटनी पिसवा ली है ना, तो उसका मतलब सुबह पापा चून की रोटी बनवाने वाले हैं। कितनी भी गर्मी हो पापा को कादू कौदू या चून उसकी रोटी खानी है। और यहाँ पे चल रहा है इनका गेम, है इतनी गर्मी लग रही है कि ये लोग नीचे लेट गए दोनों के दोनों, इतनी गर्मी हो रही है।